चैनल आई एम दरक्षा और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही इजी एंड सिंपल आई मेकओवर जो आप लोग कोई भी वेडिंग या पार्टी कहीं भी आप ट्राई कर सकते हो एंड आप यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इनका मेकअप किया है। तो इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए फर्स्ट मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इनके फेस पे अभी कुछ लगाए हुए नहीं है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। इसके पहले भी वीडियोस पे मैंने ये एलोवेरा जेल यूज़ किया है। तो एलोवेरा जेल मैं मेकअप से पहले यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट टाइम यूजिंग प्राइमर। प्राइमर इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो आपके ओपन पोर्स को फिल करने में हेल्प करता है एंड ब्लेमिशेस को ब्लर करता है। नेक्स्ट वी यूजिंग फाउंडेशन। मेक श्योर फाउंडेशन आपके ही कम्प्लेक्शन का हो। फाउंडेशन इज अ बेस फॉर ऑल द मेकअप प्रोडक्ट्स लाइक ब्लशर्स एंड हाइलाइटर्स। सो इसे अच्छे से हमारे फेस पे ब्लेंड कर देना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंजील आवर फेस। मैं यहाँ पे कंजीलर पैलेट से कंजील कर रही हूँ। अंडर आईज से पहले हमें कंजील करना है। अंडर आईज पे करने के बाद हम लोग फोरहेड पे करेंगे, उसके बाद नोज, अपर लिप एंड देन चिन। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आप वो एरियाज को बेक कर ले लूज पाउडर से। नेक्स्ट वी आर कॉन्टूरिंग आवर फेस। कॉन्टूरिंग इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो हमारे फेशियल स्ट्रक्चर को एनहांस करता है और अच्छे से हमारे फेशियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छे से कॉन्टूर करने के बाद उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें एंड लूज पाउडर से वो एरियाज को बेक कर लें। लूज पाउडर से अच्छे से वो एरियाज को बेक कर लें जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अंडर आईज पे भी मैं लूज पाउडर से बेक कर रही हूँ ताकि आई मेकअप करने के टाइम जब आई शेडो फॉल आउट हो तो हम बाद में उसे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंसील आवर आईलिड्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द आई मेकअप। फॉर द आई मेकअप आई एम यूजिंग अ ब्राइट पिंक शेड फ्रॉम दिस पैलेट। आप कोई भी शेड यूज कर सकते हो अपने आउटफिट के हिसाब से, बट मैं यहाँ पे इनके आउटफिट के हिसाब से इनका आई मेकअप कर रही हूँ। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे डीप रोज पिंक कलर यूज कर रही हूँ फॉर द बेस। नेक्स्ट अपने आई मेकअप को एक अच्छा सा लुक देने के लिए हम क्रीज पे कंसीलर लगाएंगे एंड वो एरिया को अच्छे से हम एनहांस करेंगे। क्रीज पे कंसीलर लगाने के बाद हम एक शिमरी आई शैडो यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लाइट पिंक शिमर यूज कर रही हूँ। तो वो हम क्रीज पे अच्छे से लगा देंगे। मैं फिंगर से कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। I
आईलिड्स पे मेकअप करने के बाद हम अपने लोअर लैश लाइन पे वही शेड यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट यूज किया था, उसको लेके अच्छे से लोअर लैश लाइन में स्मज करना है। पिंक शेड को स्मज करने के बाद मैं यहाँ पे काजल यूज कर रही हूँ, वो अच्छे से दोनों को ब्लेंड कर देने से एक बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा, इसीलिए मैं ये लुक दे रही हूँ। काजल लगाने के बाद मैं आई शिमर लगा रही हूँ आईज के कॉर्नर पे, उसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज कर रही हूँ एक अच्छा सा कंप्लीट लुक देने के लिए। लाइनर के बाद मैं यहाँ पे ब्राउ बोन को हाईलाइट कर देती हूँ। नाउ हम एक्सेस पाउडर को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, सारा जो एरियाज पे मैंने बेक किया था वो अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे। अब हमारे चीक्स के लिए हम ब्लशर यूज करेंगे। ब्लशर लगाने के बाद हम अपने चीक बोन पे हाईलाइटर लगाएंगे, अब अपने नोज पे फोरहेड पे भी कर सकते हो। सब करने के बाद लिपस्टिक और लैशेस से अपना मेकअप को कंप्लीट करें एंड मेकअप फिक्सर से उसे फिक्स करें। ये था हमारा बहुत ही इजी एंड वेरी ब्यूटीफुल ग्लैम मेकअप जो आप लोग कोई भी पार्टी वेयर में कर सकते हो, कोई भी आउटफिट के साथ आप कर सकते हो, इंडियन हो या फिर कोई भी आप कर सकते हो, एंड करके आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल जिस्टीजो ब्लॉग्स एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्ट।